बिजनेस का मॉडल होता है डिमांड और सप्लाई पे, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। इसकी सप्लाई नहीं है, इवेंचुअली मेरे पास सप्लाई होगी ना मैं भी सस्ता बेचूंगा, मेरे पास भी नहीं है क्योंकि मेरे पास डिमांड ज़्यादा है, मैं इसकी डिमांड नहीं पूरी करना चाह। और मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे पास फिश फार्मर्स हैं जो मुझसे कम से कम 3-4 लाख रुपये का सीड खरीद रहे हैं। अच्छा, और वो बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, वो अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऑलरेडी लोगों ने शुरू कर दी है। अच्छा, अब वो क्या कर रहे हैं, जो एक्वा कल्चर कर रहे हैं अपना, जो छोटे छोटे पाउंड बना के आपने देखे होंगे आजकल कल्चर जा रहा है, उसमें वो मील वर्म खिला रहे हैं और उन्होंने फीडिंग शुरू कर दी है। उनका बाहर की मार्केट से ताल्लुक ही कोई नहीं है, ठीक है। और खाली ये नहीं, उसके अलावा जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे लोगों ने फैंसी बर्ड्स रखे हुए हैं, शामूज रखे हैं डिफरेंट, मेरे पास बहुत सारे 2 लाख के मुर्गे लोगों ने रखे हैं सर, उनके लिए वाले से काफी वो इतने कॉशियस होते हैं, उनको चीज मिलती नहीं है, तो वो जो है ना वो अपना मीलवर्म हुड प्रोड्यूस कर रहे हैं ये बाय करके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे, मेरा सारा सिस्टम मेरा इसी से चल रहा है, यानी कि अगर हमें कहें मेरा और कोई कारोबार नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कोई और कारोबार और कोई कारोबार नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इससे अल्लाह ताला अच्छी रोजी दे रहा है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब मैंने इसका फर्स्ट टाइम ऐड लगाए थे ना, मुझे इतनी डिमांड आई थी मुझे ऐड रिमूव करने पड़े थे। अच्छा, और मैंने 3 महीने तक 4 महीने लोगों को इनकार करता रहा कि भाई मेरे पास सामान नहीं है। तो नाज़रीन, आज हम आपको मील वर्म्स के एक अनोखे कारोबार के बारे में बताएंगे जिसे आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं और अपने घर में ही इसकी प्रोडक्शन करवा के एक अच्छा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। तो जो उमर साहब हैं, एक जाना पहचाना नाम है इस फील्ड में, पीटीवी में भी उनके शो आप देख सकते हैं इस मील वर्म्स के हवाले से, उनसे मुलाकात आपकी करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि उन्होंने किस तरह ये सेटअप किया हुआ है सारा मील वर्म्स का और कितना मुनाफा वो अर्न कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलने जा रही है, मुकम्मल हकीकत आपसे शेयर करेंगे। तो चलते हैं जी वीडियो की जानकारी में। जी, ये मील वर्म फार्मिंग का काम है। मील वर्म कहते हैं बेसिकली वर्म्स को, सूंडियाँ। जी, ठीक है। ये खुराक होती है परिंदों की और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खुराक है, जो उनकी खुराक का जुज़ होता है ना 10-15%, ये देना ज़रूरी होता है, लाजमी होता है। जैसे आपने जंगल में देखा होगा अक्सर चोंच में चिड़ियाँ, तोते, परिंदे अपने बच्चों के लिए ना वो वॉर्म्स लेके आ रहे होते हैं, क्योंकि वो उनकी जो है ना उनकी नरिशमेंट के लिए, जो उनकी सेहत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे दस्तियाब नहीं थी। पाकिस्तान में मैंने कुछ अपने परिंदे रखे हुए थे तो मैं उनपे उनकी डाइट की हैबिट स्टडी कर रहा था, तो उस पर वॉर्म्स का जो वो जूस था ना खुराक का, वो बहुत ज़रूरी था, यहाँ से मिल नहीं रही थी। जी। तो फिर मैंने अपने परिंदों के लिए यूएसए से इंपोर्ट की। अच्छा। ये जो कंपनी है 50 साल से ऑलरेडी एक कर रही है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यूएसए में, वो मील वॉर्म प्रोड्यूस कर रही है और वो इसी काम के लिए कर रही है और वो परिंदों के लिए कर रही है। तो उनका बिजनेस मॉडल देखा, मुझे बड़ा पसंद आया, प्लस उनकी रिसर्च थी इस वॉर्म के ऊपर। वैसे तो बहुत तरह के कीड़े हैं लेकिन ये जो वॉर्म है ना, इसको अर्बन फार्मिंग कैटेगरी में आती है। अच्छा। इसको आप डब्बों के अंदर रख सकते हैं, आप देखें जैसे कि ये मेरे पीछे डब्बे लगे हुए हैं, बिल्कुल ये डब्बों से बाहर नहीं आते। अच्छा, ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है कि इसे किसी कमरे में भी रखा जा सकता है। जी, बिल्कुल, बेडरूम में भी हम रख सकते हैं, जब ये क्लाइम ही नहीं करेंगे। हाँ जी। एक डिब्बे की वाल पे इसने क्लाइम ही नहीं करना, तो जहाँ मर्जी इसको रखा जा। जी, बिल्कुल। एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी तो एक सुंडी अवेलेबल है, उसकी भी तो फार्मिंग की जा सकती है, तो ये आप इसे ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं? जी, बिल्कुल, आप देखें वो वाली जो होती है ना, हर कीड़े में सुंडी होती है, पहले वो सुंडी होती है, वो फिर मक्खी बनती है या प्यूपा बनता है, और फिर प्यूपा में से जैसे बटरफ्लाई का प्रोसीजर है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, ये कीड़ों का इसी तरह का प्रोसीजर है, ठीक है। लार्वा जिसको कहते हैं, तो लार्वा बहुत तरह के हैं, करोड़ों तरह के हैं, लेकिन वो उनको कल्चर नहीं कर सकते आप। उनको आप कल्चर करेंगे ना तो उनके मसले मसाइल हैं, वो मक्खियाँ हैं, कुछ उड़ने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये बीटल्स हैं, ये उड़ते नहीं हैं, इनका ये फ़ायदा है। और प्लस जो इनका लार्वा है ना, उसका साइज़ बहुत अच्छा होता है और इसमें प्रोटीन रेशियो बहुत हाई होता है, यानी 60% प्रोटीन रेशियो होता है, प्लस लिपिड्स ऑयल्स जिनको कहते हैं एसेंशियल ओमेगा 3 ऑयल। अच्छा, ठीक है, वो इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो है ना, इसका कलर बहुत प्यारा है और यानी कि इसमें बैक्टीरिया नहीं होता, जो दूसरा लार्वा होता है उसमें बैक्टीरिया होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वो लार्वा है जिसको यूरोपीय यूनियन ने 2 साल पहले रेगुलेट कर दिया है, इवन के इंसान खा रहे हैं, जो जो क्रिश्चियंस वगैरह है ना, जिनको नॉन मुस्लिम है बेसिकली, उनके मजहब में अलाउ है, वो खाते हैं, ठीक है। इसका लाने का मकसद ये है कि ये इंडस्ट्री डेवलप हो, ठीक है, मैं खुद भी कर रहा हूँ और मैं सिखा रहा हूँ सबको। अच्छा उमर भाई, आज हमने अपने जो व्यूवर्स हैं उनको एक बिजनेस मॉडल देना है। जी, कि जो लोग चाह रहे हैं, जिनके पास बजट कम है,
थोड़े से बजट से जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको एक आपने बिजनेस मॉडल देना है, उनको बताना है कि वो कैसे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से चल सकते हैं। जी जी बिल्कुल, देखें अच्छा सा पैकेज बनाया है हमारे व्यूवर्स के लिए। देखें पैकेज ये है कि देखें 200 पीस वॉर्म्स के आप ले सकते हैं, मुझसे खरीद सकते हैं, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ओवरनाइट, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है दुनिया में कि आप ओवरनाइट अमीर हो जाएं। पहले आपको सीखना पड़ता है, तजर्बा हासिल करना पड़ता है, उसके बाद आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो इसका मार्केट में इस वक्त रेट चल रहा है 30 रुपये पर पीस, ठीक है, और ये मेरा रेट नहीं है, पूरी मार्केट का आप चेक कर सकते हैं। तो जो लोग इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि अभी ये फार्मर्स बाय कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो अभी इस वक्त जो रेट है 30 रुपये पर पीस है, 200 पीस डिलीवरी के साथ आपको 6,000 रुपये का मिल जाएगा, उससे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और ये 200 पीस है ना, आप समझें एक साल तक इसको आप मल्टीप्लाई करते रहें ना, तो ये किलो के हिसाब से आपके पास तैयार हो जाएगा, मे बी 300 किलो। यहाँ पे उमर भाई हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये किस तरह मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब अगर एक फीमेल है वो कितने अंडे देती है। जी जी। और कितने अरसे में वो जो लार्वा बनता है उसका पूरा एक प्रोसीजर हमारे व्यूवर्स को। जी जी, देखें जो लार्वा होता है ना वो मैं जो आपको दूंगा 200 पीस जिनको सूंडियां कहते हैं, वो सूंडियां कन्वर्ट होंगी प्यूपा के अंदर। अच्छा। जो बटरफ्लाई के अंदर भी होता है, जो प्यूपा होता है ना उसका काम होता है कुछ ना, वो खाता है ना कुछ पीता है, उसमें से निकलता है बीटल। अच्छा। तो इवेंचुअली जो बीटल होता है ना उसमें से तकरीबन 70% फीमेल्स होती हैं और 30% मेल होते हैं। अच्छा। ये अंदाजा है क्योंकि हम कीड़ों में मेल फीमेल इतना नहीं देख सकते, जैसे आपने मुर्गी देख ली है तो मुर्गी है ये मुर्गा है, ऐसे हम नहीं देख सकते क्योंकि छोटे अशरात हैं, ठीक है ना। तो वो जो फीमेल है ना वो एक फीमेल 300 से 600 अंडा देती है 3 महीने की अपनी जिंदगी में। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। वो काले कलर का बीटल होता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का ये बीटल है इसमें, और ये बिल्कुल भी काटता नहीं है, ये देखें। अच्छा। हाँ जी, ये एक जो फीमेल है ना 300 से 600 अंडे देती है। 300 से 600 अंडा ये देगी। जी, कितनी देर बाद ये ब्रीड करते रहते हैं? ये तकरीबन 3 महीने में ना ब्रीड ही करते रहते हैं, लगातार ब्रीडिंग इनकी चलती रहती है। ये देखें, हमने डब्बे के अंदर पहले गंदम का चोकर लगाया हुआ है 1 इंच की तय, आधे इंच की तय, तो इसी के अंदर ये लोग खाते पीते रहते हैं, फ्रूट के छिलके वगैरह दे देते हैं इनको, तो उसमें से अपना ये वाटर सोर्स पूरा करते रहते हैं। तो अंदर ही अंडे दे देते हैं, फिर अच्छा। उनको हम हर एक महीने के बाद या 15 दिन के बाद ना नए चोकर वाले डब्बे में डाल देते हैं। अच्छा, उमर भाई पता कैसे चलता है कि इन्होंने अंडे दे दी हैं? जी, एक बड़ा एक मुश्किल मराहिल है क्योंकि इतना ये खुद छोटा सा है। जी जी, मैं आपको बताता हूँ, हमने ना हर चीज़ पर डेट लगाई होती है। जी जी। तो हम जब मूव करते हैं ना, वो जो चोकर जिसमें इन्होंने अपनी 1 महीना या 15 दिन गुजारे होते हैं ना, उसको हम साइड पर कर लेते हैं। अच्छा। तो उसके अंदर इतने बारीक अंडे होते हैं जो नेकेड आई से आपको ना नजर नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर वो आपको ना तकरीबन 20-25 दिन के अंदर उसके अंदर मूवमेंट नजर आती है, छोटी छोटी। अच्छा अच्छा। छोटी छोटी वॉर्म्स की मूवमेंट नजर आती है, वो अंडों में से इवेंचुअली दोबारा वॉर्म बन जाती है। वाह, जबरदस्त। और फिर वो तकरीबन 1 से 1.5 महीना 2 महीने लगते हैं और वॉर्म फिर बड़े साइज की हो जाती है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी आप 1.5 माह वाला दिखाने लगे हैं सर। हाँ जी, आपको 1.5 माह वाला दिखाने। ये जी नाज़रीन आप देख सकते हैं इनकी एज जो है इस टाइम, ये 1.5 माह एज का जो है एक लार्वा है। हाँ जी, ये देखें जी, अब ये 1.5 से 2 माह के हो गए, ये अब हिल रहे हैं, खा रहे हैं, ये चोकर को इस टाइम एक मुकम्मल खुराक है परिंदे की। हाँ जी बिल्कुल, अगर ये देखें ना, ये जो पूरी दुनिया में ये फूड कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 ऑयल और प्रोटीन रेशियो 60% सबसे ज्यादा हाई है इसके अंदर। इसको मैं हाथ लगा सकता? जी जी बिल्कुल, आप पकड़े। ये देखें जी नाज़रीन, मैंने इसको हाथ पे भी पकड़ा है, तो अब आपको नजर आ रहा होगा इसमें छोटे छोटे व्हाइट ककून भी बन रहे हैं। जी जी, कुछ प्यूपा में कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा, और इवेंचुअली अच्छा। जो प्यूपा होगा ना, मैं आपको बल्कि प्यूपा का अलग डब्बा दिखाता हूँ जिसमें हमारे प्यूपा पड़े हैं, उसमें से बीटल भी निकल रहे हैं। उमर भाई ने हर चीज को अलग तौर पे अरेंज किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा उमर भाई, ये आपने यहाँ पे टिश्यू पेपर रखे हुए हैं, इसका क्या फंक्शन है? देखें जी, ये अगर आप देख रहे होंगे, ये टिश्यू पेपर इसलिए रखा है क्योंकि ये नाजुक होते हैं, वाइट कलर के होते हैं जब निकलते हैं, ठीक है। अगर हम इनको चम्मच वगैरह से अलहदा करेंगे तो इनका ये टूटने का डर होता है। तो फिर ये टिश्यू के साथ चिपक जाते हैं और फिर हम जो है ना इनको चोकर वाले डब्बे में डालते हैं ब्रीडिंग के लिए। 5 दिन के बाद ये वाला जो कीड़ा आप देख रहे हैं ना, जो सफेद कलर का है, ये ब्लैक हो जाएगा। अच्छा। और फिर ये अंडे देना शुरू कर देगा, ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाएगा। ब्रीडिंग के लिए रेडी, और 3 महीने तक उस डब्बे के अंदर जिंदा रहेगा। अच्छा। और वो 3 महीने के अंदर अंडे देता रहेगा। अच्छा। एक टाइम पे 70 से लेकर 100 अंडे देती है फीमेल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जो इन कीड़ों की जो लाइफ है वो 3 महीने तक है। 3 महीने तक ये लगातार ब्रीडिंग ही करते रहेंगे और अंडे देते रहेंगे। हाँ जी, इन्होंने वो चोकर के अंदर खेलते रहना है, ठीक है। साथ में अगर आपने थोड़ी बहुत जो गाजरें वगैरह डाली है या छिलके फ्रूट के डाले, उसमें से वो पानी पीते रहेंगे और कुछ नहीं खाते। अच्छा उमर भाई, जो डेड हो जाते
जाते हैं उनका भी कोई फायदा है या वो जी जी देखें वो जो जो बीटल डेड हो जाते हैं ना उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, हम तो फेंक देते हैं कचरे में। अच्छा। अगर आप चाहें, अगर आपके पास मुर्गबानी आपने की हुई है, मुर्गियां रखी, उनको भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी जी बिल्कुल। अच्छा अब मुझे ये बताएं जो बंदा 200 से स्टार्ट कर रहा है वो मंथली कितनी अर्निंग कर सकते हैं और कितनी देर बाद वो अर्निंग स्टार्ट होगी? जी जी मैं वही कहूँगा अगेन, इसको आप मंथली ना सोचें क्योंकि ये 4 महीने आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 200 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 200 से, वो तकरीबन आप अंदाज़ा कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी वॉर्म्स बन जाएंगी वो 200 चार महीने के बाद इतनी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और फिर अगले 4 महीने और मल्टीप्लाई कर लें। तो वो इस तरह से अगर आप पूरे साल का सोचें ना तो आपके पास साल के पास एक अच्छी अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा इसको हैंडल करने का। और फिर आप मकसद है कि ये एक फार्मिंग की किस्म है और फार्मिंग में जो है वो मुनाफा मंथली नहीं, ईयरली और 6 मंथ के बाद हम इसको मुनाफे को। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता, ये अभी जो 30 रुपये का रेट है ना ये सीड का रेट चल रहा है इस वक्त, अभी मार्केट है सीड की, तो इवेंचुअली इसका प्राइस मार्केट में कम होगा। बिल्कुल, ये नाज़रीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उमर भाई ने कही है कि अभी आप एक किस्म का सीड परचेज कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि जैसे ही ये वाफर हो जाएगा फिर तो ये मैं आपको बताता हूँ ये फिर बिल्कुल बिल्कुल फिर आप परिंदों के लिए इसको केजी के हिसाब से बेचेंगे। जब ये हमारा मकसद ही है कि इसको केजी में लेके आए। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी तो ये अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। अभी देखें बिजनेस का मॉडल होता है डिमांड और सप्लाई पे। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, इसकी सप्लाई नहीं है। इवेंचुअली मेरे पास सप्लाई होगी ना मैं भी सस्ता बेचूंगा, मेरे पास भी नहीं है क्योंकि मेरे पास डिमांड ज़्यादा है, मैं इसकी डिमांड नहीं पूरी करना चाहता। और मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे पास फिश फार्मर्स हैं जो मुझसे कम से कम 3-4 लाख रुपये का सीड खरीद रहे हैं। अच्छा। और वो बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, वो अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऑलरेडी लोगों ने शुरू कर दी है। अब वो क्या कर रहे हैं, जो एक्वा कल्चर कर रहे हैं अपना, जो छोटे छोटे पाउंड बना के आपने देखे होंगे आजकल कल्चर चल रहा है, उसमें वो मील वॉर्म खिला रहे हैं और उन्होंने फीडिंग शुरू कर दी है, उनका बाहर की मार्केट से ताल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक है, और खाली ये नहीं, उसके अलावा जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे लोगों ने फैंसी बर्ड्स रखे हुए हैं, शामूज रखे हैं डिफरेंट, मेरे पास बहुत सारे 2 लाख के मुर्गे लोगों ने रखे हैं सर, उनके लिए वाले से काफी वो इतने कॉशियस होते हैं, उनको चीज मिलती नहीं है, तो वो जो है ना वो अपना मील वॉर्म हुड प्रोड्यूस कर रहे हैं ये बाय करके। तो अभी जो मार्केट है ना वो फार्मर की है, पहले फार्मर हम पूरा करेंगे। ठीक है, जैसे जीवन का गार्लिक है इस वक्त आपको पता मार्केट में नहीं आया अभी तक, जीवन का गार्लिक से फार्मर खरीद रहा है, रीजन वो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, जब उसकी वाफर मिकदार हो जाएगी तो फिर एंड कस्टमर के पास आएगा ना, या हम एक्सपोर्ट की तरफ जा सकेंगे, इसका भी वही सिनेरियो है। जी, तो लोग जो है ना इसको जो माशाल्लाह विजन रखते हैं ना उनको तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, ये इस वक्त सीड की मार्केट है और हमारा मकसद इस फार्मिंग को करने का है ताकि इसका प्राइस हम नीचे ले आए। देखें जायज मुनाफा ही हर कारोबार में किया जाता है, कोई भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी चीज इतने हाई प्राइस पे बेचूं, मैं किसी को हाई में नहीं बेच रहा भाई, अगर आपको सस्ता मिलता बाहर से ले लें। अच्छा उमर भाई एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बंदा 200 से स्टार्ट कर रहा है वो इसे कमर्शियल लेवल पे नहीं करेगा। जी जी, वो अपना जो स्टार्ट लेगा वो एक रूम से स्टार्ट लेगा, तो रूम में वो कितना रूम होना चाहिए, कितनी जगह चाहिए? मैं आपको बताता हूँ जी, 200 के लिए वगैरह के बारे में भी, 200 के लिए कोई भी आम प्लास्टिक का डब्बा ले लें, बेशक आप इतना सा ये देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, 200 या इवन के 1000 पीस भी इसमें आ जाते हैं। अच्छा, ये जो आप बड़ी ट्रे देख रहे हैं ना इसमें हमारे तकरीबन एक ट्रे के अंदर 5000 से लेके 8000 तक पीस आता है। माशाल्लाह, ठीक है ना, तो वो हर बंदे को अभी खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी कैपेसिटी है, आपने स्टार्ट ही बड़े से करना है, तो उनके लिए फिर कमर्शियल के लिए मेरे पास जो अगर क्वांटिटी में जो 10,000-20,000 पीस बाय करते हैं स्पेशल रेट्स हैं। अच्छा, ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा बाय करेंगे तो फिर उस हिसाब से मैं रेट दूंगा, फिर आप उससे स्टार्ट करें, बेशक आप इसको प्रॉपर बड़े स्केल से स्टार्ट कर दें, हर बंदे का अपना बजट होता है। लेकिन ये 200 पीस एक मैंने सिर्फ एक लोगों को ना, यानी कि ताकि लोग इंटरेस्ट डेवलप करें, इसको काम को स्टार्ट करें, सीखें, सीखने के बाद उसको एक्सपेंड करना है, 4 महीने के बाद समझ आती है, फिर बड़े पैमाने से शुरू कर लें और मुझसे ही कंसल्ट करें। इंशाल्लाह मैं सीड भी प्रोवाइड करूंगा और पूरी ट्रेनिंग भी, और इंशाल्लाह मैं तो अभी इसकी जो है ना इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी आ रहा हूँ, जिससे इसको जो सफाई करने के लिए आसानी होगी, बीटल्स को अलग कैसे करना है उसके लिए मैं स्पेशल वो सिफ्टर बना रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह मार्केट में वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसको हमने काम को, मसला ये है कि हम लोग इस इंडस्ट्री को डेवलप इतना कर लें कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट को जब मील वॉर्म कोट करें ना ड्राई का जो प्राइस है, तो हम वो बेच सकें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। जबरदस्त, ये आपकी बड़ी अच्छी सोच है उमर भाई। अच्छा उमर भाई, अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे जैसे कि ये कीड़ों का बिजनेस है तो इसकी स्मेल होगी,
घर में अगर हम इसे रखते हैं तो कोई स्मेल होगी, लोग क्या कहेंगे, इस बारे में बताएंगे। जी जी बिल्कुल, कारोबार छोटा नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ा एक बड़ा बड़े लेवल का कारोबार है अगर इसको देखा जाए। बिल्कुल, इसके बारे में सर मैं आपको बताता हूँ, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, ठीक है। आपने बिल्कुल बंद कमरे के अंदर ही होता है ये, मैं आपको ये बता दूँ। आप ये सोचें खुली छत के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके इसको आपने रूम टेम्परेचर मेंटेन देना होता है। इवन कि अभी हमारी ना सर्दी है, टेम्परेचर नीचे भी गिर जाता है, इनको इश्यू कोई नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर आइडियल आप कंडीशन देंगे तो आपकी मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी। जी बिल्कुल, यानी अच्छी करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये जब देखें, इंसान जब करता है तो इंसान को अंदाजा होता है। इसको अगर आप शौक से करेंगे तो फिर ही आप लोग कामयाब हो सकते हैं। अगर आप ये सोचें, अगर आपको ये नोटों के डब्बे नजर आ रहे हैं ना, वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। सही कि अगर आप इसको वाकई समझते हैं ना प्रोडक्ट है, वही बंदा कामयाब हो सकता है। तो क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इससे मेरा सारा सिस्टम मेरा इसी से चल रहा है। यानी कि अगर आप कहें मेरा और कोई कारोबार नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कोई और कारोबार और कोई कारोबार नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इससे अल्लाह ताला अच्छी रोजी दे रहा है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब मैंने इसका फर्स्ट टाइम ऐड लगाए थे ना, मुझे इतनी डिमांड आई थी, मुझे ऐड रिमूव करने पड़े थे। अच्छा। और मैंने 3 महीने तक 4 महीने लोगों को इनकार करता रहा कि भाई मेरे पास सामान नहीं है। ये तो शुक्र अल्लाह का, अभी मैं इस काबिल हो गया हूँ। प्रोडक्शन उम्र भाई आप ले रहे हैं तकरीबन, आपकी एवरेज एक निकालें तो कितना? देखें हमारे पास इसको हर मंथ जो हमारे पास तकरीबन तैयार होता है ना, कोई आप कह सकते हैं 10